ये बहन जी को भी भेज दीजिए, ये जो खड़ी हैं, हाँ इनके साथ में जो भी उनको लेकर के आइए, आप बैठ जाइए, आपके साथ वाले आ जाएं, इन बहन जी को बैठा दीजिए, इनके साथ वालों को भेज दीजिए। सन्यासी बाबा की कहाँ से आना हुआ? अच्छा अच्छा बोलो क्या बात है? कौन है? माइक लो पहले तो। कहाँ रहते हो आप? बहन है बुलंदशहर। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। हाँ। और कुछ पूछेंगे? और पूछा आप पढ़ी लिखी हो जी? आओ नजदीक, हम पे कम समय है इसलिए हम आपको जल्दी। ये क्या लिखा? प्रेत। प्रेत बाधा की सवारी बनती है, भाव खेलती है, अनकंट्रोल हो जाती है। हाँ। आपकी बहन का दिमाग भी स्थिर नहीं रहता। हाँ। है। हाँ। इन्होंने जो है एक पत्र में सब बातें लिख रखी हैं और इन्होंने कहा है कि अगर हमारा बताएंगे तब मानेंगे। हाँ। ये हमारा चैलेंज है, इनका चैलेंज स्वीकार है। हाँ। एक एक नंग निकाल देंगे लेकिन बेइज्जती ना हो, इतने में ही सावधान हो जाए। ठीक ठीक जी, बोलिए हाँ या ना। हाँ। सही है? सही है। हाँ अब मुट्ठी बांधो बहन, दोनों मुट्ठी बांधो। हम बहुत उल्टे गुरु जी हैं, वो तो किसी की बेइज्जती हमारे द्वारा ना हो इतनी कुशलता सब बनाए रखना, वरना हमने कसम नहीं खाई है। इसलिए नाग के ऊपर पांव रखने से या हाथ रखने से फायदा नहीं है। बिल्कुल वहीं कर, इसको माल लगाई जाए सेनापति। और तेज माल लगाओ इसे, इसके सर में चमीचा मारो, चिल्लाने दो और मारो इसे, इसको आगे लेकर आओ एक जरा। अब कहो तो कुछ बोले उल्टो सीधो हम, देख लिया हमने कई दरबारों में हुआ है, कई दरबारों में जो वहां के महंत होते माइक ले लो, ऐसे बात मत करो, कई दरबारों में वहां के जो महंत होते उनकी बेइज्जती की इसने। हाँ। हैं? हाँ। और अनाप शनाप बोला। हाँ। बागेश्वर धाम के लिए भी इसने अनाप शनाप बोला, बहुत सुबह से ठीक है, गाली बकी बहुत, और गाली बककर के बाद पे पत्र लिखा। हाँ, हाँ। पर्चा लिख कर लाई। हाँ, हाँ। कि अगर हमारा पर्चा बता देंगे, हमारा चैलेंज है जी, ऐसा ही है, जी है। इनकी ठठरी। हाँ। जी सर, हम बहुत उल्टे गुरु जी हैं। ऊपर आ जाओ बहन जी, हम तुम्हारे पर्चा का हम तो बता दें कुंडली जी। हाँ हमारे चक्कर ही में ना पड़ो, हम को माइंड रीडर नो ही, हम तो बाप पोल बता दें कि तुम मुंह दिखाए ना पड़ो। हाँ दो तीन दिन से बहुत चैलेंज कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम बहुत उल्टे हैं लेकिन हमने ये है कि उपद्रव छोड़ दिया है, किसी की बेइज्जती हमारे दरबार से ना हो। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है जी। आ जाइए वहीं बैठ जाइए, गाली बक रहे थे सुबह। हैं? गाली बक रहे थे सुबह। अच्छा निकालो पत्र, जेब में जो डला। ये अर्जी पकड़ी है आप अपनी, यहां बैठो, इसका शरीर छुड़वाया जाए शक्ति का। आप नजदीक आई, नहीं हमें नहीं चाहिए, आप लिए रहो। क्या लिखा है इसमें? ओम बागेश्वराय नमः, जय
श्री राम, मेरा प्रणाम है, मुझे हटा नहीं सकता। ओम बागेश्वराय नमः। मेरा श्री राम, मेरा प्रणाम, मुझे हटा नहीं सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मुझे हटा नहीं सकते हो। देवताओं का देवता हूँ, शैतानों का शैतान हूँ। इसका पूरा समाधान मेरी मुट्ठी में है। पियर ससुराल दोनों जगह मेरा ही डंका बजता है। इस... पढ़िए यहाँ, इसके आगे भी हमने लिखा पत्र में, टोटल एक बात चैलेंज की लिखी है, कोई प्रश्न नहीं लिखा है, धमकी दी है, पहले प्रणाम किया है उस प्रेत ने, राक्षस वृत्ति का है, गंदी हरकत करता है, कई जगह हो आया है, वह इस पत्र में यह कह रहा है कि तुम में ताकत हो तो हटा देना। माइक से बोलो। हाँ सर, यही दोनों लिखा पत्रों है। को मिलाओ जी, दोनों पत्र सही सही है, एक ही बात, एक ही बात है। राम हट, तुम्हारी छठरी, इसके सिर में मार लगाओ सेनापति, सिर में भड़ाक से मारो चमीटा। राम अब उठा पटक करो, इसकी उठा पटक करो। ये जिन्न शक्ति है, ये गंदी हरकत भी शरीर के साथ करता है, जिन्न शक्ति है, इसका काम है कि इसे गृहस्थ को मिटाना है। इसका उद्देश्य है कि इनके पति से कलेश हो जाए, दूर हो जावे, गृहस्थ को माइक नजदीक लड़ाई करवाता है, लड़ाई करवाना है, और इसको एक दूसरे से दूर करने के लिए ऐसे उपद्रव करता है। न दूर होगी, न आज से ये हैरान करेगा, हम ऐसी बुद्धि करें दे रहे, बालाजी लीला करें, आशीर्वाद जी। जी सर, धाम की पेशी करनी है प्रेतराज सरकार की, और मारो इसे। चलो अगला नंबर, आप बैठे रहिएगा, आप नीचे पहुंच जाएं बहन जी, हम अर्जी भी लगा लें, दोनों काम अब। आइए भैया, हाँ आप नीचे जाओ, हमारे दोनों काम होते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास मात्र 20 मिनट का समय बचा है।